वेलकम टू मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं मेरे प्यारे सभी व्यूअर्सों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि मैंने कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पाई हूं, क्योंकि मेरे यहां पे सभी को डेंगू फीवर हो गया है और अभी कुछ ठीक हुए हैं कुछ नहीं हुए हैं, फिर भी आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट बनाए रखा, तो मैं बिल्कुल दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे सभी व्यूअर्सों को। तो प्लीज़ प्लीज़ इसी तरह से आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। तो डेंगू का इलाज जो है समय पे करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो यह बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि डेंगू जो फीवर है ना, हड्डी तोड़ फीवर भी कहा जाता है इसे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता है, साथ ही मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, आँखों के पीछे दर्द होना, उल्टी मिचली जैसे महसूस होना। जब ये डेंगू फीवर बनता है तो क्या होता है ना, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और घुटने भी दर्द होते हैं और हाथों की जो मांसपेशियां हैं ये भी बहुत ज़्यादा दर्द होती हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे सभी को इसी तरह से फीवर बना है, इसलिए मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स आपको। तो इसे बचने के लिए हमें किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और कैसे आप अक्सर ये डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स जो हैं बहुत जल्दी से गिर जाते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को बचने के लिए मैंने कुछ रेमेडी भी कुछ तैयार किया हुआ है और क्या क्या चीज़ें हमें सेवन करना चाहिए ये सभी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि जो प्लेटलेट्स हैं बहुत जल्दी से रिकवर हो जाएंगे। और ये जो प्लेटलेट्स हैं ना, ये बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, किसी के बहुत जल्दी से बढ़ जाते हैं, किसी के धीरे धीरे करके, लेकिन बट 3-4 दिन में प्लेटलेट्स जो हैं बिल्कुल अच्छे बढ़ जाते हैं एकदम से। तो मेरे यहाँ पे सभी के प्लेटलेट्स गिरे हुए थे, मेरे हस्बैंड के भी और मेरे बेटे के भी, बट सबसे कम मेरी बेटी के प्लेटलेट्स गिरे हुए हैं, क्योंकि 62,000 हैं और 12 घंटे के अंदर वो फिर 72,000 हो गए दूसरे दिन। तो अगर आप घर में ही सही तरीके से इलाज करते हैं, अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना है, तो मैं यहाँ पे सभी चीज़ें आपके साथ में शेयर करी हूँ। जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वही चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ रेमेडी यहाँ पे रेडी करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे पपीते के पत्ते लिया है। पपीते के पत्ते को अच्छे से धो लीजिएगा, बढ़िया से आगे पीछे अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि होता है ना कभी कभी जाले से बन जाते हैं, कुछ छोटे छोटे कीड़े रह जाते हैं। तो ध्यान से आप पत्तों को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा, एक एक पत्तों को, और आप छोटे बड़े जैसे भी साइज़ के अगर आपको मिलते हैं तो वैसे पत्ते आप ले सकते हैं। और इन्हें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बारीक कट कर लेंगे। पपीते के पत्ते को आप दो तरह से इसका जूस बना सकते हैं। एक तो आप चाहे तो इसे उबाल सकते हैं, या फिर ग्राइंडिंग जार में इसे ग्राइंड कर सकते हैं, या फिर आप खलबट्टे में कूट सकते हैं या पत्थर में कूट सकते हैं इसका जूस निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ मिक्सी का जार, और इसमें हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। देखिए, अगर आप बॉईल कर रहे हैं ना, तो इस कप से आप 3 कप पानी डालिएगा और 1 कप पानी बनाइए। इतना उबालना है हमें एकदम से, 3 कप पानी डालकर 1 कप पानी बनाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इसका रस निकल जाएगा। बट मैं यहाँ पे उबाल नहीं रही हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ग्राइंड करूँगी, क्योंकि इसका हम जूस ऐसे ही निकालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून डाला है, बस इससे ज़्यादा नहीं डालना है हमें पानी। अगर आप डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बट कोई मतलब नहीं है ज़्यादा डालने से, इसलिए हम इसको थोड़ा सा गाढ़ा ही जूस निकालेंगे। तो एकदम पेस्ट हमने यहाँ पे तैयार कर लिया, देखिए इस तरह का पेस्ट बना लेना है और इसको हम छान लेंगे। कोई भी छन्नी या फिर कॉटन का कपड़ा हो तो उससे आप छान सकते हैं, मतलब कि कपड़े में डालकर अच्छी तरह से निचोड़ सकते हैं, या फिर इस तरह की छन्नी होगी आपके पास तो इस तरह से आप छान सकते हैं, बहुत आसान है। तो पपीते का रस जो है ना, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो पपीते का जूस हमें कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और कितने बार लेना है, ये मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, अगर आप इस तरह से निकालते हैं रस तो ये बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, और आपके अगर प्लेटलेट्स एकदम से गिरे हुए हैं तो आप इसका सेवन 3 से 4 बार कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। 12 घंटे के अंदर आपके जो प्लेटलेट्स हैं एकदम से बढ़ जाएंगे, बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, मेरा यकीन कीजिए, क्योंकि मैं इसी पत्तों का ही यूज़ किया है मैंने घर में और सबके प्लेटलेट्स बिल्कुल बराबर हो गए हैं। बस बेटी के थोड़े से अभी कवर होने में है, क्योंकि ये 2 दिन ही हुए हैं उसको, तो इसलिए मैं आपके साथ में शेयर किया, क्योंकि उसके प्लेटलेट्स इतने ज़्यादा गिरे हुए थे और बहुत जल्दी से ग्रो हुए एक ही दिन के अंदर में। तो इसका सेवन हम करेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून लेंगे, और साथ ही इसके साथ में आप शहद जरूर लीजिएगा। शहद और पपीते का रस दोनों को मिलाकर अगर आप पीते हैं ना, तो एकदम से
बहुत तेजी से ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ेंगे आपके। तो एक चम्मच मैं यहाँ पे शहद डाल रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं पिया जाता है और शहद डालेंगे तो बहुत जल्दी से बढ़ेंगे। तो प्लीज़ अगर आपके यहाँ भी कोई डेंगू फीवर से प्लेटलेट्स कम हो गए हैं तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स। इस तरह से पपीते का जूस शहद के साथ दीजिएगा 2 से 3 बार, 2-3 चम्मच जूस के साथ में 1 चम्मच शहद डाल दीजिएगा। बहुत जल्दी से एक ही दिन में मतलब प्लेटलेट्स जो हैं बढ़ जाएंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, क्योंकि मैं खुद ये चीज़ें का यूज़ कर रही हूँ और मेरे यहाँ पे सभी लोग ठीक होने ही लगे हैं। और साथ ही मैं यहाँ पे कीवी का भी आपको बताऊंगी कि कीवी का सेवन करने से बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इससे जो प्लेटलेट्स हैं बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो इसका सेवन आप ज़रूर कीजिएगा अगर आपको आसपास कहीं मिलता है तो। कीवी जो है इस तरह का होता है, चलिए मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। इस तरह का फल होता है, ये क्या है सभी को नहीं पता होता है, ये इनकी बाहर का फल है। अपने इंडिया में आजकल काफ़ी मिलने लगा है वैसे तो। अगर आपको भी मिलता है आसपास कहीं मार्केट में तो आप इसका सेवन जरूर करें। जैसे अगर आपके प्लेटलेट्स गिरे हुए हैं तो आप इसका सेवन करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और एक पैकेट के अंदर ये 3 आती हैं बस। ये बीच में 100 रुपीज़ के 3 मिल रहे थे पीस, अभी ये 80 रुपीज़ के हो गए हैं। तो देखिए चलिए मैं इसको छिलकर दिखाती हूँ। आधा मैंने वैसे छिल के रखा हुआ था। इसका जो छिलका होता है ना बहुत ज़्यादा पतला होता है, तो इसको धीरे धीरे करके हम नाइफ की हेल्प से इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए, तो इस फ्रूट का जो टेस्ट है ना एकदम खट्टा मीठा होता है, थोड़ा पका रहता है तो इसमें मिठास थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। आपने देखा होगा जो शहतूत जिसे बोलते हैं, अगर आपको पता हो उसका टेस्ट, तो बिल्कुल वैसे ही रहता है। जो इसका कम पकी रहती है शहतूत तो हल्की खट्टी मीठी लगती है ना, बिल्कुल वैसे ही इसका टेस्ट लगता है। मुझे तो भाई वैसे ही लगता है। अगर आपको भी खट्टा मीठा टेस्ट पसंद है तो आपको कीवी फ्रूट ज़रूर पसंद आएगा। बट अभी तो हमें पसंद नापसंद को देखना ही नहीं है। अगर आपके प्लेटलेट्स गिरे हुए हैं तो आप इसका सेवन करेंगे तो बहुत तेज़ी से आपका ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ेंगे। तो आप इसका सेवन जरूर करें अगर आपको मिलते हैं तो, क्योंकि अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना है तो इन सभी चीज़ों का अगर आप सेवन करते हैं तो बहुत तेज़ी से आपके ब्लड प्लेटलेट्स ग्रो करेंगे। तो देखिए मैं इसे कट कर रही हूँ, कितना प्यारा सा फ्रूट लग रहा है। इसका कलर देखिए, अंदर ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, छोटे छोटे से इसके बिल्कुल छोटे छोटे से सीड्स होती हैं जो कि हमें चबा चबा कर खाना है। और इसका सेवन आप खाली पेट करें तो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, और इसको आप प्लीज़ चबा कर खाइएगा, है ना। तो इस तरह का फ्रूट है ये, बहुत ही टेस्टी लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अब आपको पता नहीं बट इसको जरूर खाइएगा। अगर आपके यहाँ किसी को भी डेंगू फीवर है और मिलता है ये फ्रूट तो आप इसका सेवन जरूर करें। ड्रैगन फ्रूट मिलता है तो आप उसका भी सेवन कर सकते हैं, उससे भी प्लेटलेट्स जो हैं बहुत जल्दी बढ़ती हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में, और ये खाने में भी बहुत अच्छा है। तो ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, बहुत ही छोटी छोटी सी सीड्स होती हैं जो कि हमें चबा चबा कर खाना है। तो मॉर्निंग के समय पर आप ज़रूर खाएं खाली पेट इससे। आप चाहे तो अगर आपको ड्रैगन फ्रूट मिलता है ना तो आप उसका भी सेवन कीजिएगा, उससे भी बहुत जल्दी ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं ग्रो करते हैं। तो ये रेसेस अगर आपको दिखते हैं हाथों में, हथेली में, पूरे मतलब मेरी बेटी के तो पूरे हाथ पैरों में सब रेसेस आ गए थे बहुत ज़्यादा, तो बिल्कुल घबराने की बात ही नहीं है। आप डॉक्टर को दिखाइए, दवाइयाँ देंगे और साथ ही आप इन चीज़ों का सेवन करेंगे। जितना हो सके जूसी वाली चीज़ें खिलाते हैं, जैसे मौसम्बी हो गया, ग्लूकोस हो गया, और ये जो फ्रूट मैं आपको बता रही हूँ इसका सेवन करें, पपीते के रस का सेवन करें। तो मेरा यकीन मानिए बिल्कुल 2 दिन के अंदर आपके प्लेटलेट्स जो हैं एकदम से बढ़ जाएंगे और 3रे दिन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका सेवन ज़रूर करें। तो चलिए यहाँ पे एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, जो गाजर होती है उसका आप 1 गिलास जूस निकाल लीजिएगा, और उसके साथ में आप 4 से 5 चम्मच जो चुकंदर होता है ना उसका जूस आप मिलाकर पीजिएगा। बहुत तेज़ी के साथ में ब्लड प्लेटलेट्स उससे भी बढ़ेंगे आपके। तो इन सभी चीज़ों का आप ज़रूर सेवन करें। साथ ही आप गिलोय रस और आंवले का रस का भी सेवन कर सकते हैं, और गिलोय रस में आप चाहें तो थोड़ा सा शहद मिलाकर पियेंगे ना तो बहुत जल्दी आपके ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ेंगे। तो इन सभी चीज़ों का आप यूज़ करते हैं तो आपको बिल्कुल भी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको घर में ही रहना है तो इन सभी चीज़ों का आप सेवन करें और आपके ब्लड प्लेटलेट्स को बरकरार बनाए रखें। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको बताया है, जो जो चीज़ें मैंने यूज़ किया है वही चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर किया है, तो आप लोग ज़रूर इन्हीं चीज़ों का सेवन करेंगे ना तो आपके जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। और आप देखिएगा, इसको मजाक में मत लीजिए, मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया है, और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो
पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।